स्कूटी लाने का यही फायदा है कि यहाँ पे सामान रहता है सारा, और डिक्की में भी, प्लस बाइक में ऐसा पैसा अरेंज नहीं होता है। वाह जी, इतने जाऊ शकतो का आम्ही आतमध्ये डॅम कडे? गाड़ी जाते इकडून, ये इधर कुछ ऐसा कैनाल जैसा है छोटा, ये टेंट पीछे पकड़ने दिया है, और ये कुछ ऐसा रास्ता जा रहा है जो डैम के पास जाता है, तो देखते हैं अभी उधर जाके डैम कैसा है। अभी तो पानी नहीं रहेगा, और ये कैनाल सिस्टम कैसा बनाया मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, क्यों बनाया ये? फुल ऑन ग्रीनरी है, वो भी समर के टाइम। यहाँ से पानी यहाँ से आ रहा है, और ये आपको सामने डैम दिख रहा है। रास्ता थोड़ा ऐसा मिट्टी वगैरह है, इसके वजह से उसको इधर ही रुका दिया, तो आगे जाके देखता हूँ क्या है क्या नहीं। ऐसा लग रहा है कि डिप नहीं है, बट ये बहुत नीचे है अंदर, ये पानी पूरा डैम का आ रहा है। बाय द वे इधर अभी कोई पानी है नहीं, पर डैम से पानी इन लोग ने छोड़ा है इसकी वजह से। गाड़ी इधर ही पार्क करनी पड़ती है क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। बारिश के टाइम बहुत अच्छा इधर सीन मिलेगा, मतलब यहाँ पे फुल ऑन ऐसा वाटर फ्लो रहेगा। वांद्री लेक में बहुत बार आ गया हूँ, मतलब अभी तो ये मेरा 6th टाइम है, बट ये डैम पे कभी नहीं आया था मैं आज तक, तो इसकी वजह से मैंने आज सोचा कि चलो जाके आते। लकीली आज ही मिली, आज ही मिली, आज ही को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं मेरे को, तो आज ही मिली। आज ही ने बताया कि इधर डैम पे जा सकते बाइक लेके अंदर, तो हमने बोला क्यों नहीं जाएंगे, फिर हम लोग आ गए, ऐसा सीन हो गया। देखो यहाँ पे बारिश के टाइम इतना पानी रहता है, पानी का बहुत फ्लो रहता है बारिश के टाइम, और अभी समर के टाइम ये पूरा सूखा पड़ा है, पूरा चल चल के हालत बेकार हो गई है, बट मस्त है व्यू, वर्थ इट है। हम लोग नीचे के रास्ते से आए, बट यहाँ से आ सकते थे, बट उधर गेट बंद है। व्हाट्सअप, इसको दे देना, नहीं लाया ना, वो आएगा नहीं, थोड़ा राइस बचा था हम लोग का, अच्छा है अभी भी, पर नीचे रखा है यार, तेरे को नहीं मिलेगा, नीचे आएगा तो मिलेगा। व्यू दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जैसे कि पानी छोड़ने वाला, ये ओवरफ्लो ही होता है, तो बारिश के टाइम क्या है पानी इधर ऊपर आ गया लेवल पे, तो नीचे जाता है फुल। उधर नेट लगा के रखा है इन लोगों ने, बाकी ये व्यू भी मस्त है। इसमें हमारा जो सामान है जैसे कि कढ़ाई वगैरह जो मैगी बनाने के लिए लगती है वो सब है। हेलो, ये जो इतना बड़ा दिख रहा है आपको, ये सन नहीं है, ये मून है, जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा। तो अभी जब ये ऊपर जाएगा तो ये पूरा रोशनी चांद की इधर आएगी। तो भाई यहाँ पे सारा हम लोगों ने सामान रखा है, ये मेरी बैग है छोटी सी, और बहुत बड़ा टेंट है एक्चुअली, ये 4 लोग का टेंट है, हम लोग 2 ही लोग यूज़ कर रहे हैं बैग में, बस सबसे बेस्ट व्यू यही लग रहा है मुझे, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। चांद पे मेरा इतना मोबाइल। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे ऐसी बाइक पार्क की थी, सामने पेड़ है, यहाँ पे आपको चांद दिख रहा है, यहाँ पे अरुण है, और अरुण ने कुछ अच्छा काम किया, इधर जरा ये दिखाना, लाइट दिखाना, ये लकड़ा तोड़ के लाया, अभी इस लकड़े को हम लोग जलाएंगे, थोड़ा बॉन फायर होएगा कैंपिंग का, और कुछ ऐसा सीन रहेगा। और अरुण भाई कर दे उसको बहुत कन्विंस किया भाई ये ट्रिप जाते हैं, क्योंकि ये सेल्फ कैंपिंग है, पहले से ही 3 पत्थर है लकीली, तो इसको ही हम लोग ऐसा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में पता नहीं, बॉन फायर, हाँ चूल्हा बनाते हैं, फिर उस पर हम लोग मैगी वगैरह ऐसा कुछ करेंगे। और ये हम लोग की ऐसी टेंट, इधर सब सामान वगैरह रखा है, अभी फ़िलहाल मैंने नेट लगा के रखा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इधर ऐसे मक्खियाँ घूम रही है, मतलब जो रात के कीड़े रहते हैं वो ही सब। आज 16 अप्रैल है और आज फुल मून है, इसके लिए मैंने ये डे चूज़ किया कि नेचुरल लाइट हम लोग के पास आएगी, और उसके वजह से, और ये जो ग्लेयर्स दिख रहे हैं आपको पानी में वो कितने प्यारे दिख रहे हैं, बस ये अभी थोड़ा ऊपर जाएगा ना और अच्छा व्यू मिलेगा। अपन ने क्या क्या लाया है दिखा जरा, ये प्लेट्स है, बाय द वे ये सारा जो सुबह जाते टाइम हम लोग कचरा लेके जाएंगे, और बहुत कुछ है, कढ़ाई वगैरह भी है, टॉर्च भी लाए, बेसिक चीज़ें, जो टॉर्च चालू है कि नहीं, नहीं चालू है, स्पीकर मैंडेटरी है अगर कैंपिंग में जाते हो आप, कढ़ाई दिखाना इन लोग को जरा, ये लोगों कढ़ाई भी लेके आए मैगी बनाने के लिए, और फिर ये अपना प्लेट उसके ऊपर जाएगा, और ये चम्मच लाए,
बाय द वे ये सारा इसने अरेंज किया और मैंने एक्चुअली कुछ नहीं, बाय द वे मैंने कुछ नहीं ले आया था और प्लान भी ऐसे ही अचानक से हुआ। मिलने गया था मैं इससे अरुण से और फिर ये अचानक से बोला कि किधर जाते हैं क्या, तो मैं बोला भाई कैंपिंग करते हैं और इसने हाँ कर दिया। तो भाई हाँ कर दिया मतलब ख़त्म ना, मेरे सामने अगर कोई हाँ करता है प्लान के लिए तो वो बनना ही है बराबर कि नहीं। तो ये ऐसा कुछ प्लान बन गया हम लोग का, फाइनल हो गया और ये ऑन दी स्पॉट हुआ। मेन चीज़ है जो लगती है पावर बैंक कैंपिंग के टाइम, और भी बहुत सारा सामान है पर हम लोग ने बेसिकली लाया जितना इसके घर पर पड़ा था उतना ही लेके आए, वरना कुछ तैयारी करके आते तो और कुछ सामान देखने मिलता था आपको। बस फिलहाल तो इतना है, बाकी का सुबह दिखाएंगे। हाँ सुबह अच्छा व्यू मिलेगा। तीन चार ऐसी लकड़ी इसको टाई किया गया है और इसको एक जुगाड़ की तरफ से एक बोर्ड बोल सकते हैं, प्रॉपर बोर्ड नहीं है, बस यही देखने आया था मैं। बाकी हम लोग उधर है, अभी अंधेरे में आपको दिखेगा नहीं, वही प्रॉब्लम है। तो अपने पास ये एक दो तीन चार पत्थर है, तो अपने को लगेगा तीन पत्थर। तो इसमें से एक मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला, इसको उठाते और इसको, भाई साहब बहुत हेवी है, इसको इधर रखते थे। ये दूसरा पत्थर लग गया और फिर अपने को चाहिए अभी, ओके। तो ये अपना बन गया चूल्हा, ये तीन पत्थर बन गए, इसके ऊपर हम लोग रखेंगे बर्तन और मैगी बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे हाथ खराब हो गए। जो बड़ी लकड़ी है इधर है, तो इसमें से मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा लकड़ी लगेगा हम लोग को, तोड़ देते दो में। तो ये मुझे लगता है इतना काफ़ी होना चाहिए, देखते पहले हाथ धो लेते। तो हाथ धोने के लिए हमें जाना पड़ता है थोड़ा दूर, थोड़ा दूर मतलब ज़्यादा दूर नहीं, आपको बता देता हूँ। ये मैं पहुँच गया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ऐसा पानी है, तो ये हाथ धो गया मैं और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत लकड़ी है ऐसी, बट ये बहुत बड़ी लकड़ी है, ये अपने चूल्हे के काम में नहीं आएगी। और ये लकड़ी गीली भी है, तो इसके वजह से हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सूखा लकड़ी है, तो उधर मिलता है। गाड़ी पार्क की थी और ये हमारा टेंट, थोड़ा बहुत दिख रहा रहेगा, अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ है। देखो यहाँ से होगी सनराइज़, तो इसका वेट कर रहा हूँ, शायद से मैं इसका टाइम लैप्स लूँगा। और यहाँ पे हमारी टेंट, ये हमारी बाइक, ये डैम है यहाँ पे वांद्रे लेक का, यहाँ पे पानी रुका रहता है और वहाँ पे डैम है। और क्या दिखाओ, वांद्रे लेक का तो आपको व्लॉग दिखाया था, हम लोग ने पहले वहाँ जाने का ट्राई किया था पर वहाँ नहीं जा सके क्योंकि वो रास्ता बंद था। रात को ये बोट बता रहा था आपको जो दिख नहीं रही थी, अभी पता नहीं इसको कैसे चलाना है, बट क्या व्यू है यार, मज़ा आएगा जब सनराइज होगी। इसको चलाना कैसे पता नहीं, और थोड़ा रिस्की भी है ये वाला, तो प्रॉपर जो इसको चलाने का आता है वो ही लेके जा सकता है, वरना कोई तो दूसरा डूब जाएगा इससे, मतलब प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है मुझे ये बोट। तो दिन में कुछ ऐसी दिखती है ट्रेन हमारी, और अभी अभी चलेगा मैगी का खेल, मैगी बनाने का है। तो आग तो जला दी भाई, हाँ बोला मैंने। तो यहाँ पे अभी बनाने वाले मैगी,
हम लोग को थोड़ा ये ऑर्डर आ चुका है टेंट निकालने के लिए, तो टेंट निकाला जाए फटाफट। आपको जो निकालने का प्रोसेस मैं बता देता हूँ, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इसके लिए नहीं बता सकूँगा क्योंकि रात का टाइम था और रात के टाइम अंधेरा बहुत था, तो उसके टाइम मैंने किया नहीं वो वीडियो शूट। बट अभी अनइंस्टॉलेशन का मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना चल रहा है आग लगाने का कार्यक्रम। ये ऐसा कुछ इसका अटैच पॉइंट रहता है, वो निकाल दिया खुल गया। मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया कल, कोई भी ऐसा मैनुअल वगैरह रीड नहीं किया था, फर्स्ट टाइम किया था। फर्स्ट टाइम में हम लोग ने सक्सेसफुल इंस्टॉल किया। तो अभी ये निकालने के बाद कुछ ऐसा होता है, स्टार जैसा बन जाता है स्टार। ये सामान तो अपना लेके जाना पड़ेगा और इसका तो अनसक्सेसफुल रहा अटेम्प्ट क्योंकि ये जल ही नहीं रहा है। बाकी सनराइज तो हो चुकी है, टाइम लैप्स तो आपने देखा रहेगा और पब्लिक भी आ गई। यहाँ पे चूल्हा जलाना था सिर्फ, नहीं हुआ इससे और क्या बताओ। अभी वो मैगी ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा घर पे। एक चीज़ हो सकती थी, थोड़ा इसमें पेट्रोल डालते थे बट बाइक अभी ऊपर लगाई है तो उसके वजह से अभी उधर जाना फिर से आना। ये इसकी टेंट है, इसने से छोटी बैग में ऐसी कॉम्पैक्ट हो जाती है, यूज़फुल है ना। इसको लेने का सोच रहा हूँ बाय द वे। और ये अपना कूड़ा वगैरह सामान और जो भी है इसमें रखा है, ये अपनी बैग। तो ट्राई कर रहे थे, अभी सेकंड टाइम करेंगे तब हमें बहुत सारी आइडियाज़ रहेगी क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं लगेगा, इसके लिए हम प्रिपेयर होके आएंगे। ये ऐसे ही मतलब फास्ट प्लान हो गया, मतलब ऑन द स्पॉट प्लान करके हम लोग निकल आए। इसके पास लकीली टेंट थी तो टेंट लेके आ गए और बस मैगी का भी फेल अटेम्प्ट रहा। मैगी भी करेंगे अगली बार, प्रॉपर सब रहेगा। मैगी नहीं, बारबेक्यू भी करेंगे तो उसके लिए शेफ वगैरह देखना पड़ेगा, किसी दोस्त को पकड़ना पड़ेगा। बाकी यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे बटन नीचे है मिल जाएगा वो दबा देना और बेल आइकॉन भी दबा देना, तब जाके आपको नोटिफिकेशन आएगा। और क्या, सब कर दो। चलो मिलता हूँ, बाय।